शॉट निकालने की कोशिश करते हैं और ये लिखा रहा है कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर भी ब्लैक शायद नज़र आ जाए और यहाँ पे ये वाली एरर ज़रूर आपको नज़र आ रही होगी, कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे, सैमसंग के डिवाइस के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन हो या फिर दूसरा की भी रिलेटेड, मतलब बैंकिंग हो या फिर आपका कोई प्राइवेट ऐप हो, उसके अंदर ये बेसिकली दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो क्या चीज़ें करने से आपकी प्रॉब्लम हटने वाली है, फिक्स होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी ज़्यादातर क्या होगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन या फिर आप कहीं पर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेशन होती है जो कि OTT वगैरह हो गई। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को सिक्योर करते हैं, मतलब अपना कंटेंट, एक तो OTT का हो गया कि कंटेंट चोरी होता है, तो वो अपने वीडियोज़ को चोरी होने से रोकने के लिए स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं। और बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या करते हैं कि आपका जो भी डेटा वगैरह है वो लीक ना हो, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं देने लेने देते। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन यही है कि सिंपल सा, आप भी इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, मतलब पॉलिसी को जो एप्लीकेशन ने बनाई है, तो आपको भी सिक्योरिटी मिलती है। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरे फ़ोन से जो है निकाल कर फोटो किसी को भेज सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन के साथ अगर छेड़छाड़ कर दे तो भी ये वो हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे आपने देखा होगा रूट वगैरह डिवाइस करने पर भी हो जाता है, बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। एक नॉर्मल यही है कि आप अगर बहुत ज़रूरी है तो आप दूसरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यानी कि दूसरे फ़ोन से आप कैमरे से पिक्चर क्लिक कीजिए और उसको जहाँ पर भी भेजना है, इंपॉर्टेंट है, तो भेज सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे ऐप्स में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर 90% एप्लीकेशन जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे मैं जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च कर देता हूँ तो ये मिल तो जाते हैं, बाकी वो ब्लैक स्क्रीन ही आएगी। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपका फ़ोन से भी ज़्यादा एप्लीकेशन स्ट्रांग होंगे, तो उस केस में तो ये दिक्कत आपको आएगी ही आएगी, मेरे आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी दूसरे फ़ोन से आप फोटो निकाल लीजिए, अगर आपके पास दो फ़ोन है या फिर आसपास का ही फ़ोन है तो उससे आप स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो निकाल सकते हैं।